सड़कों पर पैदल यात्रियों के रेल सैकड़ों किमी की दूरी तय करते अपने अपने गांव पहुंचने की जुगत। शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 11A, 11B व कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर पिछले दो दिनों से विभिन्न जगहों पर फंसे लोग अपने अपने गांवों के लिए पैदल ही गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि चाहे दिन हो या रात, हर समय इन सभी रोड पर पैदल यात्रियों के रेले ही नजर आ रहे हैं। अधिकांश पैदल यात्री जयपुर में मजदूरी करने वाले हैं और 21 दिनों का लॉकडाउन लागू होने के बाद साधन नहीं मिलने के चलते वे अपने परिवार समेत अपने अपने गांवों की ओर पैदल की निकल चुके हैं। किसी के कंधों पर भारी भरकम बैग तो किसी के कंधों पर बालक लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश पैदल यात्री प्रदेश के सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, कटनी, इंदौर, जबलपुर समेत कई जगहों पर जाने वाले हैं। अपने गांव सुरक्षित पहुंचने की चिंता में ये पैदल यात्री भूख प्यास, पैरों के छाले व शरीर की थकान को भी भूलकर अपने अपने गंतव्य की राह पर अग्रसर हैं। भूख प्यासे इन पैदल यात्रियों की मदद के लिए शहर की कई संस्थाएं भी आगे आई है। शहर के गंगापुर रोड पर भारत विकास परिषद द्वारा सभी पैदल यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा इन यात्रियों को लालसोट की सीमा तक छोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से वाहन संचालन की भी अनुमति ली है। इस मौके पर भारत विकास परिषद की लालसोट शाखा के सचिव जटाशंकर शर्मा, डॉक्टर सीपी कुशवाहा, विष्णु अग्रवाल, प्रकाश जैन, महेश शर्मा व डॉक्टर सुभाष पहाड़िया समेत कई जने भी मौजूद रहे। इसके अलावा सवाई माधोपुर रोड पर अनुराग सेवा संस्थान के तत्वावधान में भोजन के पैकेट तैयार करते हुए पैदल यात्रियों को वितरण किया। इस मौके पर संजय पाध्या, कपिल पाध्या, रघु मिश्रा, राकेश सेडुरिलाई, बाल मुकुंद शर्मा, सियाराम शर्मा, मंगेश लामडा, सुरेश सेडुलाई कई जने भी मौजूद रहे। इसी तरह शहर के बस स्टैंड से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को रोककर जगदीश खंडेलवाल, गिराज खंडेलवाल, रवि कुमार सेन समेत कई दुकानदारों ने नाश्ता कराया। ना भैया आराम से खाओ सब लोग। उधर सब खा ली क्या? घर घर पहुंचा रहे हैं भोजन के पैकेट। लॉकडाउन के जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट व खाद्य सामग्री का वितरण के लिए कई संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आगे आ रही है। लायंस क्लब की लालसोट शाखा के पदाधिकारियों द्वारा जरूरतमंदों के घर घर पहुंचकर भोजन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। संस्था की लालसोट शाखा के अध्यक्ष घनश्याम सैनी, विजेंद्र साहू, मोंटू बढ़ाया एवं विशाल भीमवाल समेत कई पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन 200 परिवारों को सुबह व शाम को भोजन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत होना था, कोई परेशानी नहीं। स्टार्टिंग का भाई निर्देशों की पालना व अधिक दाम वसूले जाने पर होगी कार्यवाही। SDM ने परचूनी दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और दवा विक्रेताओं की बैठक में दिए निर्देश। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा गाइडलाइन व एडवाइजरी की सख्ती से पालना के लिए गुरुवार को नगरपालिका कार्यालय में SDM JP गुर्जर ने शहर के व्यापार महासंघ से जुड़े परचूनी दुकानदार, सब्जी विक्रेताओं और दवा विक्रेताओं की बैठक ली। बैठक में SDM JP गुर्जर ने सभी खाद्य सामग्री के दुकानदारों सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की दुकान सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करने के अलावा दुकानों पर सैनिटाइजर व हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने दुकानों पर आवश्यक वस्तुएं जैसे आटा, दाल, नमक, तेल, मसाले आदि की रेट लिस्ट तैयार कर चस्पा के भी निर्देश दिए।
एसडीएम ने कहा कि यदि कोई दुकानदार रेट लिस्ट व निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता पाया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। उपखंड अधिकारी ने मेडिकल दुकानदारों का भी सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस करने के लिए निर्देश दिए। सब्जी व फल विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे अपनी दुकान मुख्य रोड पर नहीं लगाएंगे और इसके अलावा दुकानों ग्राहकों की भीड़ को एकत्रित नहीं होने देंगे। बैठक में उपखंड अधिकारी ने सभी दुकानदारों से अपील की कि इस राष्ट्रीय आपदा में वे पूर्ण सहयोग करें और सभी नियमों का पालन करें। यदि किसी दुकानदार द्वारा उक्त दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जाएगी तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बैठक में लालसोट सीओ मनराज मीना, विकास अधिकारी योगेश कुमार मीना, पालिका अध्यक्ष जगदीश सैनी, तहसीलदार बद्री नारायण मीना, पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी, पालिका के ईओ नवरतन शर्मा, भागचंद सैनी, फूला राम सैनी, चंदालाल सैनी, सुनील खांडल समेत कई जने की मौजूद रहे। मास्क बांटे गए। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए गुरुवार को विभिन्न इलाकों में कई संस्थाओं की ओर से मास्क का वितरण किया गया। शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय के बाहर चिकित्सक डॉक्टर अभिजीत आसिका की ओर से आम जनवरी को मास्क बांटे गए। इस दौरान उन्होंने लोगों को खांसी, जुकाम व बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक के पास जाने व घर पर अन्य परिजनों से भी दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग बार बार हाथ धोए व संक्रमण से बचें। इस मौके पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज शर्मा, डॉक्टर मधुसूदन शर्मा, ब्राह्मण युवा परिषद के अध्यक्ष सोनू बिनोरी, बंशी टोरड़ी एवं सिद्धार्थ शर्मा समेत कई जने भी मौजूद थे। सीएचसी के बाहर कतार में अपनाई गई सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना वायरस महामारी के साए में शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय पर प्रतिदिन आने वाले मरीजों की भीड़ पहुंचने के बाद अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। गुरुवार को चिकित्सालय प्रशासन व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने सीएचसी के बाहर एक एक मीटर की दूरी पर गोले बनाकर सभी मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहने की अपील की, जिसका बड़ा असर भी नजर आया और मरीज निर्धारित दूरी में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पंजाब से युवक के लौटने की सूचना पर पहुंचे चिकित्सा कर्मी। शहर के लिवालीपाड़ा में पंजाब से एक युवक के लौटने की सूचना पर गुरुवार सुबह चिकित्सा कर्मियों ने युवक के घर पर पहुंचकर उसकी स्वास्थ्य जांच की। इस दौरान लालसोट थाना पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एवं कंपाउंडर नरेंद्र शर्मा के दल ने उसके स्वास्थ्य की जांच करते हुए उसे होम आइसोलेशन पर रहने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि उक्त युवक के पंजाब से लौटने की सूचना पर क्षेत्र के बाशिंदे पर चिंतित हो गए और उन्होंने युवक के खुले में घूमने की शिकायत करते हुए मामले की जानकारी चिकित्सा विभाग को दी।